बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। अल शाफी दवाखाना की तरफ से हकीम मोहम्मद अनवर आप दोस्तों को खिदमत में हाजिर है आज एक नए नुस्खे के साथ। दोस्तों आज का नुस्खा मर्दाना ताकत का है, ऐसा नुस्खा मर्दाना ताकत का कि आज तक आपने देखा नहीं होगा, आपकी आंखों से नहीं गुजरा होगा और आपके कानों ने नहीं सुना होगा। कुश्ता फौलाद मुरक्कब, ये एक ऐसा ज़बरदस्त मुरक्कब हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है और गर्म भी हो जाता है, दोनों चीज़ें मिक्स होकर ऐसा इंतशार और सख्ती पैदा करते हैं, गज़ब की लाजवाब टाइमिंग बन जाती है और नफ्स की तंदी सख्ती बेहद बढ़ जाती है और हम बिस्तरी के दौरान नफ्स काफ़ी हद तक मोटा और लंबा भी हो जाता है। ऐसा लाजवाब और मुजरब नुस्खा मैं आप दोस्तों को खिदमत में लेकर हाजिर आया हुआ हूँ। तो आपसे छोटी सी गुजारिश पहले की तरह के जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को अल शाफी दवाखाना को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का निशान लगा उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए। वीडियो को दोस्तों शेयर कर दिया करें और लाइक भी लाजमी कर दिया करें, ये कंजूसी ना किया करें, आपकी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बुरादा फौलाद आपने ले लेना है, बुरादा फौलाद, फौलाद लोहे का बुरादा होता है, लोहे का बुरादा आपने अच्छा और आला किस्म का बुरादा ले लेना है या आप खुद तैयार कर लें। इसका वज़न डेढ़ पाव होना चाहिए, डेढ़ पाव इसका वज़न होना चाहिए। इसको खरल में डालकर ऊपर जर्दी मुर्गी के अंडे की जर्दी एक एक डालते जाएं और खरल करते जाएं। 20 अंडों की जर्दियां आपने इसमें मिक्स कर देनी है और जब गाढ़ा हो जाए तो आपने टिकिया बना लेनी है, इसको ये टिकिया बन जाएगी। टिकिया बनाने के बाद आपने एक तांबे का पत्रा लेना है, तांबे के पत्ते जब वो टिकिया को थोड़ा खुश कर लेना है, खुश्क हो जाए ना जब टिकिया साया में खुश कर लें, जब खुश्क हो जाए तो उसको तांबे के पत्रे के ऊपर रख दें और चारों तरफ से लपेट दें। लपेटने के बाद ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा लपेट दें, कपड़ा लपेटने के बाद ऊपर गेल हिकमत कर दें, गारा मट्टी लगा दें और खुश्क होने के बाद आपने 20 शेर गोबर के ओपलों की आग दे देनी है, 20 शेर गोबर के ओपलों की आग दे देनी है। शाम को आग देंगे और सुबह निकाल लेंगे तो फिर दोबारा इसको आपने 20 अंडों की जर्दी में खरल करना है, फिर टिकिया बनानी है, फिर उस तांबे के पत्रा में लपेट कर ऊपर कपड़ा लपेट कर गारा मिट्टी लगा कर फिर आपने 20 किलो की आग दे देनी है। इसी तरह दोस्तों आपने 4 बार करना है, 4 बार खरल करना है, 4 बार अंडू की जर्दी में खरल करना है और 4 बार आग देनी है। 4 बार आग देने के बाद जो कुछ भी निकले, जितना कुश्ता निकले आपने संभाल कर अपने पास रख लेना है। अब इसका इस्तेमाल इस तरह है कि आपने एक तोला उस कुश्ते में से आपने वज़न करके एक तोला ले लेना है और किसी चीनी की प्याली या स्टील की कटोरी में रख कर ऊपर आपने 100 ग्राम रोगन अलसी डाल देना है, अलसी रोगन अलसी खालिस होनी चाहिए, वो आपने डाल देना है और नीचे आग जलानी है। जब तेल ख़त्म हो जाए और कुश्ते से धुआं निकलना बंद हो जाए तो आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद थोड़ा फिर इसको खरल कर लें और अपने पास शीशी में रख कर महफूज कर लें। तो ये मर्दाना ताकत की बेहतरीन और ज़बरदस्त लाजवाब चीज़ आपके पास महफूज हो चुकी है। जो बाकी कुश्ता क्योंकि डेढ़ पाव का आपने बनाया था, बाकी को आप महफूज कर लें, फिर आपके काम आएगा या किसी दोस्त को देने के लिए या किसी को तोहफा देने के लिए आप रख सकते हैं। तो इसकी मकदार खुरा अपना बनाने का तरीका यही है, ये कम मकदार में नहीं बनता, डेढ़ पाव पूरा बुरादा फौलाद लेना पड़ता है। अब इसके खाने का तरीका यह है कि एक चावल के बराबर, जिस तरह एक चावल का वज़न होता है उसी तरह आपने ये कुश्ता उठाना है उसमें से, और गाजर का मुरब्बा हो
उसके ऊपर लगाकर आपने खा देना है। तो दोस्तों यकीन मानो कि चंद दिन के बाद आपके जिस्म में एक ऐसी ताकत उभरेगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी लाजवाब और ज़बरदस्त चीज़ हमें पहले क्यों नहीं मिली। तो ऐसा ज़बरदस्त चीज़ है आप दोस्तों बनाएं और फ़ायदा उठाएं और हमारे हक में दुआ करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।